हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, मुझे काफी टाइम से क्वेरीज आ रहे थे मेरे वीडियोस पे, जिसमें मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल और आर्डिनो को यूज किया है। तो उन सारे वीडियोस में मैंने एप्लीकेशन को भी यूज किया है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। उस एप्लीकेशन को यूज करके हम लोग आर्डिनो को डेटा ट्रांसफर करते थे वाया ब्लूटूथ। तो मोस्टली क्वेरीज यही थे कि यूजर्स को अभी वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल रहा नहीं है और उस टाइप का दूसरा कोई एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे मिल रहा नहीं है। और गाइस, ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने खुद से ही एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप किया है, जिसमें आप ये सारे प्रोजेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। उस एक ही एप्लीकेशन में बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है, जिसको यूज करके आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। सिर्फ ब्लूटूथ रिलेटेड प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि IoT रिलेटेड प्रोजेक्ट भी उस एप्लीकेशन को यूज करके इजीली डेवलप कर सकते हैं। और गुड न्यूज ये है कि वो एप्लीकेशन अब सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है गूगल प्ले स्टोर पे। सो आप उसे कभी भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उस एप्लीकेशन के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस, एप्लीकेशन टोटली एड फ्री है, बहुत सारे फीचर्स है। मैं इस वीडियो में आपको उस एप्लीकेशन के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, उसके सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करूंगा। इस एप्लीकेशन को यूज करके आप और कितने सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। और आने वाले वीडियोस में मैं इस एप्लीकेशन को यूज करके अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट को कैसे डेवलप करना है वो सारी चीजें भी बताऊंगा। ये वीडियो उस एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। इसमें मैं आपको एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, ऐप में क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या उससे प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, और बेसिक प्रोग्राम बताऊंगा कि कैसे इस ऐप से डेटा को आप सेंड कर सकते हैं आर्डिनो को। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एप्लीकेशन पे जाने से पहले ये एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को यूज करके हम लोग टेस्ट करेंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन है उससे डेटा आर्डिनो को पास ऑन हो रहा है या नहीं। गाइस, ये सेम प्रोग्राम है जो मैंने ब्लूटूथ इंटरफेसिंग विद आर्डिनो वाली वीडियो में यूज किया था। वहां पे भी मैं चेक कर रहा था कि हमारे ऐप से जो डेटा आ रहा है वो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होता है कि नहीं आर्डिनो सॉफ्टवेयर के। सो सेम प्रोग्राम हम लोग यूज करेंगे। सो आई होप कि ये प्रोग्राम के बारे में तो आपको पता ही होगा। सिंपल कमांड से सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग, पूरा का पूरा स्ट्रिंग रीड करने के लिए जो भी पास ऑन हुआ है ब्लूटूथ के थ्रू, और जो भी स्ट्रिंग रीड किया आर्डिनो ने उसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। एंड आफ्टर दैट सीरियल डॉट प्रिंट एलन वैल, तो जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वैल के अंदर वो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगी। सिंपल सा कोड है, इस कोड को फटाफट से अपलोड करते हैं। सो मैं अपना आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट कर देता हूँ। सो ये जो प्रोग्राम है ये अभी सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब हम अपने आर्डिनो बोर्ड से ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन पर जाते हैं। तो गाइस, एप्लीकेशन का नाम मैंने आर्डिनो ऑटोमेशन रखा है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके आर्डिनो ऑटोमेशन सर्च कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप वहां से भी जाके इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ऐप को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप का इसका कुछ लेआउट है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ब्लूटूथ और IP एड्रेस। सो ये जो IP एड्रेस का ऑप्शन है ये IoT प्रोजेक्ट्स के लिए, इसको यूज करके आप IoT प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। और जो ब्लूटूथ का ऑप्शन है, यहाँ पर 6 टैब्स हैं जिन टैब्स को यूज करके आप अलग अलग ब्लूटूथ कम्युनिकेशन वाले प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। मैं हर एक टैब को ओपन करके आपको बताऊंगा। तो ये जो पहला टैब है ऑन ऑफ का, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 18 स्विचेस है, यानी कि ये टैब बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे होम ऑटोमेशन सिस्टम वाले प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर 18 स्विचेस है। दैट मीन्स आप 18 अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं ये वाला टैब यूज करके। तो हम देखते हैं कि ये क्या डेटा पास ऑन करता है आर्डिनो सॉफ्टवेयर पे। सो सबसे पहले मैं इसे ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर HC05 है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्टेड टू IP एड्रेस एंड देन HC05, यानी कि ये हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल से कनेक्ट हो चुका है। अब हम हमारे सॉफ्टवेयर का सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेते हैं देखने के लिए कि क्या डेटा पास ऑन हो रहा है। तो सबसे पहले स्विच वन ऑफ है, मैं इसे ऑन करके देखता हूँ। सो यहाँ पर आप सीरियल मॉनिटर पर देख सकते हैं मैसेज फ्रॉम फोन दैट इज कैपिटल A। दैट मीन्स स्विच वन ऑन करने पर ये कैपिटल A सेंड करता है। अगर स्विच वन को ऑफ करूँ तो स्मॉल लेटर है सेंड कर रहा है। स्विच टू ऑफ है, मैं इसे ऑन करके देखता हूँ। सो कैपिटल B, इसे ऑफ करके देखता हूँ तो स्मॉल लेटर B। सो ऐसे ही जब आप सारे स्विचेस को ऑन करोगे तो कैपिटल लेटर सेंड होते हैं, और अगर आप स्विचेस को ऑफ करोगे तो स्मॉल लेटर सेंड होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 18 स्विचेस हैं। दैट मीन्स फ्रॉम लेटर A टू लेटर R मैंने यूज़ किए मेरे सारे स्विचेस के लिए। सो अगर स्विच 18 को ऑफ है, इसे ऑन किया तो कैपिटल लेटर R सेंड हो रहा है, और अगर इसे ऑफ किया तो स्मॉल लेटर R। सो ये ऑन ऑफ वाला लेआउट है, काफ़ी यूजफुल है हमारे होम ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट के लिए। अब हम बैक आते हैं और रिमोट वाला टैब देखते हैं।
सो आप देख सकते हैं ये रिमोट वाले टाइप का कुछ इस टाइप का लेआउट है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा हमारे रिमोट कंट्रोल रोबोट्स वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, जहाँ पर आप रोबोट्स को कंट्रोल करते हैं, उनका डायरेक्शंस कंट्रोल करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 बटन्स रखे हैं, एक हॉर्न का सिंबल दिखाया। अगर आप रोबोट पे कोई बजर को कनेक्ट कर रहे हो तो ये बजर को ऑन ऑफ कर देगा, इंडिकेट करने के लिए कि वो एज अ हॉर्न है रोबोट का। यहाँ पर लाइट्स को ऑन और ऑफ करने के लिए 2 बटन है, और यहाँ पर जो बटन से ये डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। सो अब वापस से हमें ब्लूटूथ मॉड्यूल से कनेक्ट करना होगा HC05। अब देखते हैं कि क्या डेटा पास ऑन होता है। गाइज इसमें एक फीचर मैंने ऐड किया है कि आप अगर बटन को प्रेस करके रखोगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होते रहेगा। दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने के लिए कैपिटल लेटर F सेंड कर रहा है, और जैसे ही आप बटन को छोड़ दोगे तो कैपिटल लेटर S सेंड हो जाता है, यानी कि वो स्टॉप हो जाएगा जब कैपिटल लेटर S रिसीव हुआ। वैसे ही लेफ्ट के लिए कैपिटल लेटर L सेंड होता है जब तक आप उसको प्रेस करके रखते हो, और जैसे ही आप बटन छोड़ देते हो तो कैपिटल लेटर S सेंड हो जाता है। वैसे ही बैकवर्ड के लिए प्रेस करने पे कैपिटल लेटर B और छोड़ देने पे वापस S, वैसे ही राइट के लिए कैपिटल लेटर R एंड छोड़ देने पे S। तो ऐसे आप इसका प्रोग्रामिंग कर सकते हो कि F रिसीव हुआ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोबोट मूव होगा, और S रिसीव हुआ तो स्टॉप हो जाएगा। तो आप जब तक बटन को प्रेस करके रखोगे तब तक वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते रहेगा, जैसे आप बटन को छोड़ दोगे तो वो रोबोट स्टॉप हो जाएगा। सो इस टाइप का इसका कुछ रिमोट कंट्रोल का फीचर है। अब दूसरे टैब पे जाते हैं वॉइस। गाइस ये काफ़ी सिमिलर है हमारे वॉइस कंट्रोल रोबोट और वॉइस कंट्रोल होम ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट जैसा। सो इसमें देखते हैं HC05 को कनेक्ट करके। अब आपको सिंपल इस बटन पे क्लिक करना है और कमांड बोलना है, हेलो। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो डिटेक्ट हो गया और आर्डिनो सॉफ्टवेयर पे हेलो सेंड हो गया। फॉरवर्ड, तो यहां पर फॉरवर्ड आ गया। लाइट्स ऑन, सो आप देख सकते हैं लाइट्स ऑन सेंड हो गया। तो ऐसे करके आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, जो भी कमांड्स आपको प्रोग्रामिंग करना है। सो ये है इसका वॉइस कंट्रोल का टैब। अब दूसरे टैब पे जाते हैं, डीमर वाला टैब। गाइज ये टैब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा जब हमें लाइट्स के इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है, लाइट्स के ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है, या सर्वो मोटर का रोटेशन कंट्रोल करना है, या फिर नॉर्मल गियर मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है। क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 ड्रैग वाले ऑप्शंस दिए हैं जिनको ड्रैग करके कुछ वैल्यू सेंड होते हैं, हम वो वैल्यू देखते हैं। पहले HC05 को कनेक्ट कर लेते हैं। सो अब मैं Device 1 को ड्रैग करता हूँ। सो यहाँ पर ये ड्रैग हो रहा है, 66 पे मैंने रोक दिया। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरियल मॉनिटर पे कुछ डेटा सेंड हुए फ्रॉम 9 to 66, जैसा कि मैंने लास्ट डेटा 66 सेंड किया था, तो यहाँ पे 9 to 66 सेंड हुआ है। सो ऐसे करके आप ये जो भी पूरा स्ट्रिंग सेंड हुआ है, इस स्ट्रिंग को फिल्टर करके हर एक डेटा पे उस LED का इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, हर एक डेटा पे उस LED का ब्राइटनेस कंट्रोल किया जा सकता है। ये मैं आगे जब प्रोजेक्ट्स डेवलप करूँगा इस टैब को यूज़ करके, तब आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर Device 2 है, मैं इसे ट्रैक करके देखता हूँ। सो यहाँ पर 200 से स्टार्ट होता है और 245 पे मैंने रोक दिया। गाइज यहाँ पे मैंने अलग अलग नंबर्स इसलिए यूज़ किए ताकि हमें पता चले कि Device 1 अभी ड्रैग हुआ है, और यहाँ पे 200 से जो 245, तो यहाँ पे Device 2 ड्रैग हुआ है। Device 3 को अगर मैंने ड्रैग किया तो 400, इसका रेंज मैंने 400 रखा है ताकि हमें पता चले कि Device 1 और Device 2, Device 3 कब ड्रैग हो रहे हैं। इसके लिए मैंने ऐसे टाइप के इसके रेंज रखे हैं, फ्रॉम 0 to 100 और 200 to 300 एंड 400 to 500। सो ये है इसका डीमर कंट्रोल वाला टैब। अभी दूसरा टैब देखते हैं, टर्मिनल। सो टर्मिनल टैब ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ मैसेज एंटर करना है और सेंड बटन पे क्लिक करना है। तो ये जो भी मैसेज आपने इसमें एंटर किया है उसको ये आर्डिनो को सेंड कर देगा। सो वापस इसे HC05 से कनेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं मैसेज भेजता हूँ, हाय सेंड। सो आप देख सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे हाय आ गया है, ओके। तो देख सकते हो ओके रिसीव हो गया, हेलो। सो हेलो रिसीव हो गया। सो इस टाइप का इसका कुछ लेआउट है। ये टर्मिनल को यूज़ करके आप मोस्टली चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है कि नहीं। आपने जो भी कमांड रखा होगा वो कमांड को यहाँ एंटर करना है और सेंड करना है, तो ये उसके लिए यूज़ हो जाएगा। आफ्टर दैट रिसीवर, गाइज ये एक नया चीज़ है। यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ पर आर्डिनो आपके एप्लीकेशन को डेटा सेंड करेगा और यहाँ पे सेंसर्स पे वैल्यू रिसीव होंगे। तो इसके लिए जो प्रोग्राम है वो थोड़ा अलग प्रोग्राम होगा, मैं आपको वो प्रोग्राम पे ले चलता हूँ और फिर देखते हैं कि एप्लीकेशन पे डेटा रिसीव होता है कि नहीं। सो ये है उसका प्रोग्राम गाइज, आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ एक ही लाइन लिखा है मैंने, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, यानी कि जो भी डेटा आपको एप्लीकेशन को सेंड करना है तो वो पूरा डेटा आपको सिर्फ सीरियल डॉट प्रिंट एल एन के अंदर लिखना है। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्टली हार्ड कोर वैल्यू दे दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले 1 2 3 4 सेंड करेगा, आफ्टर दैट कॉमा, देन 5 6 7 8, देन कॉमा, देन 8 7 6 5, देन कॉमा 4 3 2 1, देन कॉमा 0 1 2 3। सो यहाँ पे मैं टोटल 5 वैल्यूज भेज रहा हूँ, मेरे 5 सेंसर्स के वैल्यू, क्योंकि हमारे ऐप में 5 ऑप्शन है डेटा रिसीव करने के लिए। सो इसके लिए मैं 5 डेटा को भेज रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने कॉमा से उसको अलग अलग किया हुआ है। यहाँ पर लास्ट में भी कॉमा डालना है आपको, ताकि उससे पता चले कि यहाँ पर ये पूरा डेटा कंप्लीट हो गया है। सो इस कोड को मैं अपलोड करके देखता हूँ आर्डिनो में, और फिर हम देखते हैं कि हमारे एप्लीकेशन पे ये डेटा रिसीव होता है कि नहीं। सो इसे मैं अपलोड कर दूंगा। सो कोड अब अपलोड हो चुका है। अब सीरियल मॉनिटर को मैं अगर ऑन करूँ तो यहाँ पर जो डेटा मैंने डाला है वो सेंड हो रहा है 1 2 3 4, और यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब हमारे ऐप को मैं H605 से कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर ऐप में वो डेटा आता है कि नहीं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने H605 से कनेक्ट किया, यहाँ पर सेंसर 1 1 2 3 4 आ रहा है, सेंसर 2 पे 5 6 7 8 आ रहा है, सेंसर 3 पे 8 7 6 5, सेंसर 4 पे 4 3 2 1, सेंसर 5 पे 0 1 2 3। तो जो भी डेटा मैंने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट किया था, जो भी डेटा मैं सीरियल सेंड कर रहा हूँ आर्डिनो से, वो डेटा यहाँ पर एप्लीकेशन पे आ रहा है। तो ये एक बहुत ही नई चीज़ है कि कैसे आर्डिनो से आप डेटा को सेंड कर सकते हो ऐप पे। सो यहाँ पर वो भी एक फीचर मैंने इस एप्लीकेशन में दिया है। सो गाइज, ये था इस एप्लीकेशन का पूरा इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको ये एप्लीकेशन पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर यूज़ करोगे आपके आर्डिनो प्रोजेक्ट्स में। गाइज, अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो और अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे रेटिंग देना गूगल प्ले स्टोर पर, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना और मुझे फीडबैक देना कि एप्लीकेशन आपको कैसा लगा और इसमें अगर कोई अपडेट आपको चाहिए तो वो क्या होगा। सो गाइज, ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। आने वाली वीडियोस में मैं इस ऐप को लेके प्रोजेक्ट्स डेवलप करूँगा, वहाँ पर आपको और अच्छे से इस ऐप के बारे में जानने मिलेगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।